देखिए मैं दोहरा रहा हूं कि ये हिंदुस्तान के रेपुटेशन का मामला है, ठीक है। हमारे सामने G20 है, यहाँ पे दुनिया के लीडर्स आ रहे हैं और यहाँ पे प्रधानमंत्री पे डायरेक्टली सवाल उठाया गया है। एंड प्राइम मिनिस्टर शुड कम क्लीन, प्राइम मिनिस्टर शुड से यस आई अनाउंस JPC, आई अनाउंस एन इन्वेस्टिगेशन इनटू मिस्टर अदानी, आई अनाउंस एन इन्वेस्टिगेशन इनटू दिस, क्या नाम है उसका, चाइनीज वाले का, चैंग चुंग लिंग। आई अनाउंस इन्वेस्टिगेशन इनटू दिस चैंग चुंग लिंग मैन एंड ऑल्सो इनटू दिस नासिर अली शबान अली मैन, राइट। सो दिस इज द ड्यूटी ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। शुक्रिया। ये कह रहे हैं कि इनके पास डॉक्यूमेंट्स हैं, इनके पास ईमेल्स हैं, $1 बिलियन यहां से गया है और वापस आया है, उसके माध्यम से शेयर प्राइस बढ़ाई गई है और उस शेयर प्राइस के बढ़ाने से हिंदुस्तान के एसेट्स खरीदे गए। तो मैं तो इसको रोज उठा रहा हूं, जब भी चांस मिलता है मैं इसको उठाता हूं और हम उठाते जाएंगे। आई मीन व्हाट इज अमेजिंग टू मी इज दैट द जेंटलमैन हु हैज डन द इन्वेस्टिगेशन, राइट, ही इज टुडे एन एम्प्लॉई ऑफ मिस्टर अदानी। व्हाट डज दैट टेल यू अबाउट द नेचर ऑफ इन्वेस्टिगेशन दैट द जेंटलमैन डिड, राइट। सो इट इज प्रिटी क्लियर that no investigation took place, and the only reason no investigation took place is because the Prime Minister didn't want an investigation to take place. Mr. Adani cannot stop an investigation. The Prime Minister can. With regards to the India alliance, this is a national issue. This is not an issue of any one party. This is a national issue. This is an issue that affects India's reputation, right? Especially because now there is the G20 taking place. And India's reputation and the Prime Minister's reputation is on the line. There are 20 guests coming, and right in front of them, two of the biggest financial dailies in the world have said that the Prime Minister is involved with Mr. Adani. Issue ek hi hai. Issue ye hai ki aaj Hindustan mein koi level playing field nahi hai. Adani ji hain, वो हिंदुस्तान के कोई भी एसेट को खरीद सकते हैं, चाहे वो धारावी हो, मुंबई एयरपोर्ट हो, सीमेंट कंपनी हो, डिफेंस कंपनी हो। मैंने अपने भाषण में कहा था प्रधानमंत्री फॉरेन टूर पे जाते हैं, अदानी जी उनके साथ जाते थे, उसके एकदम बाद उनको, अदानी जी को बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स मिल जाते हैं। तो सवाल लेवल प्लेइंग फील्ड का है। सिर्फ एक व्यक्ति को प्रधानमंत्री इस प्रकार से क्यों प्रोटेक्ट कर रहे हैं और एक व्यक्ति हिंदुस्तान के सब एसेट खरीद रहा है और क्लियरली उस व्यक्ति ने कुछ गलत तो किया है। $1 बिलियन यहां से गए हैं, किसका पैसा है प्रधानमंत्री को पता लगाना चाहिए किसका है, और देश को यह पता चलना चाहिए है किसका पैसा। थैंक यू ब्रदर।